नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। अंबाला छावनी के सुभाष पार्क के बाहर सुबह की सैर करने वाले नागरिकों ने आज तीसरे दिन प्रदर्शन किया। समाज सेवी रमन शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही तय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे सैर करने वाले आंदोलनकारी पार्क के अंदर जाने लगे तो पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने उन्हें नो एंट्री कहकर रोक लिया और कहा कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उन्हें अपने ही देश में जाने से रोका जा रहा है और वे आतंकवादी पाकिस्तानी और चाइना वाले हैं, जिन्होंने बताया कि उनका एक साथी वीडियो कवरेज कर रहा था, उसका मोबाइल एक ASI ने बड़ी बेरहमी से छीना और DSP के कहने पर मोबाइल वापस किया। मोबाइल छीनने वाले ASI वीडियो डिलीट करवा कर ही माने। DSP से बड़ी प्रार्थना की गई है कि पार्क जनता का है, जनता के टैक्स के पैसे से बना है, इसमें पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं हो सकती। और ये भी प्रार्थना की गई है कि हम लोग 20 साल से यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं, आप गेट खाली कर दो। प्रदर्शनकारी सड़क के दूसरे और शासन प्रशासन की भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ नारेबाजी कर ही रहे थे कि इतने में स्वास्थ्य मंत्री आ गए। गृह मंत्री ने सबको अंदर जाकर अलग जगह पर एक्सरसाइज करने को कहा और फिर सारे प्रदर्शनकारी स्केटिंग रिंक में जाकर योगा के साथ एक्सरसाइज करते रहे। सभी प्रदर्शनकारियों की SP पुलिस विभाग से ये मांग है कि जिस ASI ने वीडियो बनाने वाले से छीना झपटी करके मोबाइल छीना है, उन पर विभागीय कार्रवाई की जाए। आज प्रदर्शन करने वालों में रमन शर्मा, सरदारा राम, रामप्रसाद टांडा, श्यामचंद, सुभाष शर्मा, उत्तम हरदयाल, राजपाल बंटी, श्रीराम, पृथ्वी सिंह, विजय शर्मा, सुनील समेत अन्य लोग शामिल थे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। बंद करो, पिक एंड चूज पॉलिसी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।